आरके पुरम के सेक्टर 7 में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब एक घर के बाहर, जिस तरीके से आप ये घर देख रहे हैं, इस घर के बाहर तकरीबन 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यहाँ पर गड्ढा होने का पूरा सीसीटीवी भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गड्ढा है वो हुआ। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लापरवाही जरूर देखने को मिली है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन और सीवर की जो पाइपलाइन है वो इसी के नीचे से, और काफ़ी दिनों से जो पानी है वो लीकेज था, जिसकी वजह से इस तरीके का हादसा है। आनंद फानंद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड है और दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी वो पहुँचे। साथ ही साथ पूर्व विधायक अनिल शर्मा जो है वो स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुँचे, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है लापरवाही कर रही है। दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो भी किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, उसकी जीती जाती तस्वीर सामने आई है। उसका सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए सीसीटीवी में देखिए 2 बाइकें खड़ी हैं वहाँ पर और एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, लेकिन अचानक से कुछ ही सेकंड के अंदर देखिए किस तरीके से एक बाइक गिरती है, उसके बाद दूसरी बाइक जो है वो भी, जब इसको देखने पड़ोसी जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी बाइक वो भी इस खड्डे में गिर जाती है। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आरसो न्यूज़ के लिए कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। अनिल शर्मा जी क्या कहेंगे, यहाँ पर एक रोड धंसे हैं, 3 मंजिला मकान है, वो बाल बाल बच्चे उसके अंदर बाइक घुस गए, किस तरीके से आप देखते हैं? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये शर्म आनी चाहिए, दिल्ली को वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति जो जल बोर्ड को खुद भी देखता है, उसका मुखिया है, और आज की तारीख के अंदर आरके पुरम जैसी गवर्नमेंट कॉलोनी में, नई दिल्ली साउथ दिल्ली जिसको बोला जाता है, ऐसी पोश इलाके के अंदर अचानक एक रोड धस जाना, उसके अंदर 2 मोटरसाइकिल अभी आपने खुद देखी हैं, मीडिया उसको देख रहा है, 2 मोटरसाइकिल अंदर गिरी पड़ी हैं, मकान गिरने का डर हो रखा है। भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई व्यक्ति इसके अंदर नहीं गिरा, अगर कोई भगवान ना करे कोई व्यक्ति गिर जाता तो कोई जान माल की बड़ी हानि हो सकती थी, वो भगवान की वजह से बची है। परंतु इनके कारनामे, खासकर मुख्यमंत्री जी के, दिल्ली सरकार के और जल बोर्ड के, ये सामने हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट इनके खुद के पास है वो भी काम ये खुद पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कोई काम ये नहीं करते। और नई दिल्ली साउथ दिल्ली जैसी जगह में इस तरीके का काम होगा तो दिल्ली के और इलाके जो खासकर गांव पड़ते हैं, अनुथाई कॉलोनी पड़ते हैं, वहां सीवर की क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अच्छा अनिल जी, आपको लगता है कि और भी मकानों को इस तरीके का खतरा होगा, क्योंकि बिल्कुल मकान के बाहर का पूरी जो जमीन है वो अभी जो हमने देखा है इधर खड़े होकर और ये गड्ढे के हिसाब से कम 1-2 मकानों को तो बहुत ज़्यादा खतरा है। इनको इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, जल बोर्ड को, फायर ब्रिगेड भी आ गई है, पुलिस भी खड़ी है, सब लोगों को यहाँ मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि ये मकान, क्योंकि किसी का मकान अगर टूट जाएगा तो उनको खुद जान माल की जो हानि तो होगी, दोबारा मकान बनाने में जो परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो भी एक बड़ी बात है। तो कोई मकान वाली गलती तो इसमें है नहीं, गलती तो सीवर वालों की है, गलती तो दिल्ली सरकार की है, गलती तो जल बोर्ड की है, तो गलती जिसकी है उस पर वो होना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको ठीक करना चाहिए। बबलू भाई, क्या नाम है आपका? बबलू देव। बबलू जी, आपके मकान के नीचे रोड धस गया, कब हुई ये घटना, कैसे क्या था? करीब 1 बजे के आसपास ये घटना हुई। हमारे यहाँ 2 बाइकें खड़ी थी, अचानक से गड्ढा हुआ और दोनों बाइक और एक कुत्ता भी उस गड्ढे में जा गिरा। मैं लास्ट करीब 8 या 9 महीने से देख रहा हूँ जल बोर्ड यहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। पीछे की तरफ भी ये घटना हुई थी, काफ़ी दिनों बाद इन्होंने रीस्टोर उस जगह को किया और सडनली ये हो गया। शुक्र है कि मेरा मकान बच गया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बचेगा नहीं बचेगा, बट कहीं ना कहीं ये दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है। अच्छा, किस तरीके से कितना गहरा गड्ढा हुआ है ये? करीब मुझे देखने को लग रहा है 10 फुट के करीब गहरा गड्ढा है। अच्छा, मानते हैं कि अगर रात होती तो कोई आते जाते किसी का? जी, भगवान का बड़ा शुक्र है कि अगर रात को ये हादसा नहीं हुआ, दिन में ये हादसा हुआ है तो संबंधित डिपार्टमेंट, पुलिस, जल बोर्ड के अधिकारी और माननीय अनिल शर्मा जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं वह भी समय पर आ गए हैं। अभी देखो, मैं इनसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इसको रिस्टोर करें, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा है, कोई बच्चा भी गिर सकता है, कोई, क्योंकि ये जाने का रास्ता है या कोई और बड़ी घटना हो सकती दूरी है। पर दिल्ली जल बोर्ड है। जी, क्या उसका ध्यान अभी तक दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी नहीं आया? मैं इनके ऑफिस गया था, इनको बुलाकर लेकर आया, संबंधित अधिकारी आए, अभी तो देख के गए हैं, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ तो आ गई हैं, फायर ब्रिगेड भी आ गई है, लेकिन अभी इसमें से बाइक अभी निकाली नहीं जा सकी है।
तो मैंने इनको कहा था कि जल्दी से जल्दी इसको भर दिया जाए ताकि, क्योंकि रास्ता है, कोई और भी यहाँ गिर सकता है।